सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक निवेदन के साथ। कैसे निवेदन? प्रत्येक वीडियोस में हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं आपसे कि आपको ये करना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। परंतु आज संपूर्ण सृष्टि पे, संपूर्ण चराचर पे ये जो आपदा आई हुई, व्यक्ति इस आपदा में हृदय से भी टूट रहा है और आर्थिक रूप से, मतलब सर्वत्र सभी सभी तरीकों से टूटते जा रहा है व्यक्ति। क्योंकि ये कोरोना महामारी जो आई, पिछला वर्ष जो विगत वर्ष था उस वर्ष में भी लॉकडाउन इत्यादि लगा था, उस कारण से लोग काफी परेशान हुए और काफी जनहानि भी हुई। क्योंकि कहते हैं कि आर्थिक जो हानि हुई उसे तो भरा जा सकता है, परंतु जो जनहानि हो रही है वो भरा नहीं जा सकता है। तो इस समय तो यही हम कर सकते हैं कि जितना हो सके प्रभु से निवेदन करें। तो आज हम सभी निवेदन करेंगे श्री हनुमंत लाल जी से, क्योंकि हमारे हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। इस संसार में कौन नहीं जानता कि हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, तो वो संकटों का हरण करने वाले हैं। और कहते हैं यदि भाव से भगवान का भजन करें, भाव से भगवान को बुलाएं, तो भगवान भाव के द्वारा तो कहीं पे भी आ जाते हैं। तो भाव उनकी डोरी में बन के तो भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसलिए भाव से बस बुलाने की आवश्यकता है। तो साथ में मिलकर हम सभी हनुमान जी से निवेदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि हे हनुमान जी, इस संपूर्ण सृष्टि पे, इस जगत पे जो ये आपदा आई है इसका विनाश करिए और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करके हम सभी को इस आपदा से, इस महामारी से मुक्त करिए। तो आइए साथ में मिल करके श्री हनुमंत लाल जी की स्तुति हम करते हैं। बोली हनुमंत लाल की जय। कृपा करूं गुरुदेव की,
प्रयास करें कि श्री हनुमंत लाल जी की स्तुति करें, जिस रूप में करें स्तुति, चाहे इस स्तुति के माध्यम से करें, चाहे हनुमान चालीसा के माध्यम से, चाहे सुंदरकांड के माध्यम से, जैसी आपके सामर्थ्य वैसे आप हनुमान जी की स्तुति करें, क्योंकि हमारे हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जो सभी को प्रिय हैं। कैसे? यदि देखा जाए तो भगवान विष्णु के कौन है, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, राम जी के परम भक्त, भगवान शिव के अवतार ये रुद्रांश है वो, और माता जी के पुत्र हैं, जानकी जी के पुत्र हैं, तो वो तो सभी के प्रिय हैं। इसलिए हनुमंत लाल जी का नित्य स्तुति करें और ये निवेदन करें कि ये संपूर्ण सृष्टि पे जो आपदा आई है ये नष्ट हो, और श्री हनुमंत लाल जी से ऐसा भी निवेदन करें कि हम सभी को धर्म के मार्ग पे आगे ले जाए, ये हमारा जो सनातन धर्म है जिससे हम विमुख होते जा रहे हैं। कहते हैं हमारे हनुमान जी धर्म के आचार्य हैं, आचार्य हनुमान जी, तो जिस सनातन धर्म से हम विमुख होते जा रहे हैं, ये जो समय प्राप्त हुआ है, समय प्राप्त हुआ है अपने धर्म को पुनः जानने के लिए, क्योंकि हमारे धर्म में प्राचीन काल से कहते हुए आए हमारे वेद शास्त्र कि शुद्धता रखना अति आवश्यक है। शौच का सर्वत्र वर्णन आया, शौच यानी पवित्रता, शौच का सर्वत्र वर्णन आया, पवित्रता का सर्वत्र वर्णन आया है, परंतु हमने पढ़ा नहीं, वेद शास्त्रों को पढ़ा नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, इस कारण से हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शास्त्र क्या है। इसलिए सभी से निवेदन है कि समय प्राप्त हुआ है तो उसका सदुपयोग करें, ना कि इधर उधर समय गवा करके इसका दुरुपयोग करें। सभी के घर में गीता जी होती है, मानस जी होते हैं, तो गीता जी का पाठ करें, मानस जी का पाठ करें, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, और मैं विश्वास के साथ चाहे जितना भी कहूं, जब तक आप स्वयं उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक उस बात का आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो यदि आप गीता जी का पाठ करेंगे, गीता जी का अध्ययन करेंगे, तो भगवत गीता जी में आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि भगवत गीता जी में क्या हुआ है, अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और अर्जुन उस समय जीव बन के प्रश्न कर रहे हैं और भगवान परमात्मा बन के उत्तर दे रहे हैं, कई भगवान परमात्मा बने, कई भगवान स्वयं जीव बन के उत्तर दे रहे हैं। तो इस कारण से भगवत गीता जैसा ग्रंथ तो दूसरा कोई नहीं है। तो भगवत गीता जी का अध्ययन करें, घर पे है रामचरितमानस जी है तो मानस जी का अध्ययन करें, क्योंकि मानस जी भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली है। तो जितना हो सके धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सनातन धर्म बस किसी एक की जिम्मेदारी नहीं आगे बढ़ाना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है जितने सनातन धर्म के अवलंबी हैं। तो सभी से निवेदन है कि जितना हो सके समय का सदुपयोग करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, हनुमंत लाल जी की स्तुति करें, अपने इष्ट की आराधना करें और अधिक से अधिक समय धर्म और भजन में दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व छोटा सा निवेदन है कि यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप सभी को बताना चाहते हो, तो वहां की संपूर्ण जानकारी, वहां का जो भी इतिहास है, हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे प्रदर्शित किया जा रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाए। देखिए, हम तो प्रयास करेंगे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बस उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप भी जितना हो सके जितने लोगों से मिले अपने धर्म का प्रचार करें। अंततः भी यही कहना चाहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय, जय जय श्री।